और तर्जनी और मध्यमा मिंडेक्स इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर शुड बी इन बिटवीन द आईब्रोज। मध्यमा और तर्जनी उंगली दोनों भौहों के बीच में, ठीक है। और रिंग फिंगर जो होगा वो आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे, बाएं नासिका पे, बस हल्के से ऐसे रखना है, ठीक। तो बायां हाथ चिन मुद्रा में बाएं घुटने पे, दाहिना थंब दाहिनी नासिका पे, तर्जनी और मध्यमा उंगली दोनों भौहों के बीच में, और राइट रिंग फिंगर अनामिका उंगली जो है वो बाएं नासिका पे। अब दोनों नासिका से सांस अंदर लेंगे पूरा, अभी आप लोग देख लीजिए केवल, ठीक है। दोनों नासिका से देखो, दीदी ले रही है जैसे, सबको देख लो, दोनों नासिका से सांस लेंगे और दाहिने को हल्का सा ढक प्रेस करके बाएं से छोड़ देंगे। फिर हम बोलेंगे बाएं से सांस ले, तो बाएं से भरेंगे और फिर दाहिने से छोड़ देंगे, दाहिने से लेंगे बाएं से छोड़ेंगे। ये एक राउंड होता है, इस तरह से 5 राउंड आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। आंखों को बंद रखेंगे। आंखों को बंद क्यों रखना है, सारी एनर्जी जैसे ही आप आंखों को खोलते हैं वो डाइवर्ट हो जाती है। तो आप जब आंखों को बंद रखेंगे तो आप सारी चीजों को अच्छे से फील कर पाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड शुड बी स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। रीढ़ की हड्डी सीधी क्यों करते हैं, जब भी आप योगा प्राणायाम कुछ भी करते हो तो एनर्जी जो आपकी फ्लो होती है वो नीचे से ऊपर की तरह जाती है और आपके दिमाग को मिलती है, इसलिए रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। तो अब सब लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए पोजीशन ले लें। जिसको समझ में नहीं आया हो वो हल्के से आंख खोल के दीदी को देख ले, और नहीं तो आंखें बंद कर लीजिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए पोजीशन, बायां हाथ बाएं घुटने पे चिन मुद्रा में, दाहिने हाथ का अंगूठा दाहिनी नासिका पे, दोनों फिंगर बीच में, राइट राइट नासिका पे। अपने ध्यान को दोनों भावों के बीच में रखेंगे। एक साधारण सांस भरी और उसे बाई नासिका से छोड़ दें। बाई नासिका से सांस भरे, दाहिने से छोड़े, दाहिने से भरे, बाएं से छोड़े। इसी तरह से 3 सांसें आप ले, बाएं से भरे, दाहिने से छोड़े, दाहिने से भरे, बाएं से छोड़े। एक और सांस बाएं से अंदर, आंखों को बंद ही रखेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे। सांसें 5 राउंड में कंप्लीट करें। पांच राउंड कंप्लीट हो गया हो तो धीरे से हाथों को विश्राम दें, घुटने पे हाथ को रखें, हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई, आंखों को बंद ही रखें और विश्राम करें।